दोस्तों हमें से बहुत कोई सोचता है कि डेटा सेंटर जो है वो बस एक सिंगुलर यूनिट है, लेकिन डेटा सेंटर बना होता है बहुत सारे एलिमेंट से मिलके, और इस वीडियो में डेटा सेंटर को लेके ही बात होगी, और वो बात ऐसे होगी ताकि आप में से हर किसी को समझ में आ जाए कि डेटा सेंटर होता क्या है। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। और दोस्तों मैं डेटा सेंटर की एनालॉजी जो है वो आपके पीसी से रहूंगा ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो बात कर लेगा डेटा सेंटर की, ये आपका डेटा सेंटर है, और अगर आप यहां पे अपने पीसी की या फिर लैपटॉप की बात कर लें तो आपके लैपटॉप के अंदर लगा हुआ होता है सीपीयू, साथ में आपके लैपटॉप के अंदर लगा हुआ आता है हार्ड डिस्क, और साथ में अगर आपको इंटरनेट यूज करना है लैपटॉप के अंदर तो या तो आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर आप यूज करते हैं लैन वायर। ठीक, डेटा सेंटर में क्या होता है, डेटा सेंटर में आपको कंप्यूटेशनल अप्रोच करने के लिए यानी कि जो भी पावरफुल एप्लीकेशंस को रन करना होता है उसके लिए चाहिए होता है सर्वर, और जो डेटा स्टोर होता है जैसे कि आपके पीसी में यहाँ पे स्टोर हो रहा था, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज के लिए चाहिए होता है स्टोरेज डिस्क, और जिसका कि आपको मल्टीपल बैकअप्स बना हुआ रहता है। और जैसा कि आप यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर पा रहे थे इंटरनेट से, वैसे यहाँ पे भी नेटवर्किंग के लिए आपको कनेक्शन रहता है, और ये जो नेटवर्क होता है यह आपका इंटरकनेक्टेड होता है डेटा सेंटर से और डेटा सेंटर के बाहर की दुनिया से। इसका मतलब यह है कि डेटा सेंटर से जो बाहर अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको कोई डेटा फेच करना है डेटा सेंटर से, तो इसके लिए जरूरी है कि किसी भी कंपनी का डेटा सेंटर जो है वो जुड़ा हुआ रहे इंटरनेट की दुनिया से। और जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डेटा को डेटा सेंटर के अंदर रखती है, ये आपका पर्सनल पीसी या पर्सनल लैपटॉप नहीं है कि अगर डेटा चला भी गया या फिर आपका लैपटॉप काम करना बंद भी कर दिया तो भी आपका काम किसी और सिस्टम के अंदर चलता रहता है। यहां पर डेटा सेंटर को होना पड़ेगा रिलायबल, एफिशिएंट, सिक्योर, और जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहे। और जब इतना कुछ डेटा सेंटर के अंदर हो रहा है तो डेटा सेंटर को चाहिए एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि उसके अंदर पावर बैकअप, सिक्योरिटी, उसकी कूलिंग सारा कुछ हो सके, साथ में ऐसा कोई ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे टेररिस्ट नहीं हो, जहां पे फ्लड नहीं आता हो, यानी कि कोई भी नेचुरल या फिर मैनमेड डिजास्टर नहीं होता हो। अगर ऐसा कुछ होने की संभावना होती है इसी वजह से बनाया जाता है मल्टीपल डेटा सेंटर। जैसे कि अगर कोई कंपनी ए है वो अपने डेटा को भेज रही है डेटा सेंटर के अंदर, डेटा सेंटर वन के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लड आ गया तो यहाँ पे ये डेटा सेंटर काम करना बंद कर दिया। इसलिए डेटा सेंटर क्या करता है, जो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है या फिर अगर कंपनी का खुद का भी डेटा सेंटर रहता है, ये मल्टीपल डेटा सेंटर बनाते हैं, और ये जो डेटा सेंटर होता है ये इसका ही मिरर होता है। मतलब हर डेटा सेंटर अपने पहले डेटा सेंटर का मिरर होता है, यानी कि बिल्कुल वो हूबहू होता है। अगर कोई डेटा इसके अंदर लोड होता है तो वही डेटा आपका इसके अंदर भी जाएगा, वही डेटा आपका इसके अंदर भी जाएगा, और साथ में ये तीनों डेटा सेंटर जो है उन तीनों का लोकेशन भी जो है वो अलग अलग रहेगा, ताकि अगर किसी एक जगह पे कुछ होता है, अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है या फिर कहीं फ्लड आता है या फिर कुछ हो जाता है, किसी कंपनी का काम वहां पे रुके नहीं। अब बात आती है कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड और डेटा सेंटर में क्या डिफरेंस है जो आजकल चला हुआ है। तो क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उसके अंदर आपका आता है AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, और साथ में आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ही अभी आपका पबजी भी रन करेगा, यानी कि पबजी का डेटा सेंटर जो होगा वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ही होगा। तो यहाँ पे मैं दो मेन क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात कर लूँ, तो ये आपका अमेजॉन का है और दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई कंपनी ए थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो अपने सारे डेटास को डेटा सेंटर के अंदर भेज रही थी, और ये डेटा सेंटर जो है वो कंपनी ए का ही था, तो कंपनी को यहाँ पे अपने कंपनी को भी चलाना है, साथ में डेटा सेंटर को भी देखना है। लेकिन जब से ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आ गए हैं तो कंपनी अपने डेटास को यहाँ पे स्टोर कर सकती है। और आमतौर पे जो कंपनी रहती है, अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ जो कि एक छोटी सी कंपनी है, अगर मैं एक ही बात कर लूँ, ये एक छोटी सी कंपनी है, और इसे जब अपना डेटा सेंटर बनाना होता है ये अपनी कंपनी के आसपास ही या फिर कंपनी के प्रीमाइसिस में ही डेटा सेंटर को बनाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर का बैकअप जो है वो किसी अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होना चाहिए, ताकि कभी कुछ भी नेचुरल क्लैमिटी भी आ जाए तो उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो बात यहाँ पे अब एक और आ गई, एक बड़ी कंपनी थी जिसका कि डेटा सेंटर था आपको एक दिल्ली के अंदर, एक था बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, एक छोटी सी कंपनी बी थी जिसका डेटा सेंटर था उसके प्रीमाइसिस के अंदर ही, और एक और छोटी सी कंपनी जिसका कि डेटा सेंटर था उसके प्रीमाइसिस के अंदर ही, और साथ में उसने डेटास को क्लाउड पे भी डाल रखा था। अब अगर कुछ होता है, अगर देश के अंदर कुछ होता है, और ये तीनों कंपनी आप मान लीजिए कि दिल्ली की ही है, ये तीनों कंपनी दिल्ली के अंदर है, अगर यहाँ पे कुछ होता है इस कंपनी ए के अंदर, अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है नेचुरल क्लैमिटी या फिर उस कंपनी के अंदर कुछ हो जाता है या फिर पावर बैकअप चली जाती है, तो भी इस कंपनी का काम चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर दिल्ली वाला बंद होता है डेटा सेंटर तो यहाँ पे मुंबई से काम चलता रहेगा।
लेकिन कंपनी बी के अंदर, क्योंकि ये सारा कुछ कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर ही था और कंपनी बी जो है वो ऑलरेडी पावर बैकअप की वजह से यहाँ पे काम करनी बंद कर दी है, तो ये आपका डेटा सेंटर भी यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी सी जो कि बिल्कुल सिमिलर कंपनी है कंपनी बी की तरह ही है और एक छोटी सी कंपनी है, इसने भी अपना डेटा सेंटर बनाया कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर ही, तो इसका ये डेटा सेंटर तो यहाँ पे बंद हो गया था। लेकिन क्योंकि इसने एक चालाकी ये की थी कि इसने अपने सारे डेटास को क्लाउड के ऊपर भी रख रखा था, इसी वजह से इस कंपनी का काम बंद नहीं होता है, ये कंपनी चलती रहती है। और यही सारी वजह होती है कि कोई भी कंपनी अपना डेटा सेंटर जो है किसी ऐसे जगह पे नहीं बनाती है जहां पे कि हर दिन या फिर कुछ दिनों में टेररिस्ट अटैक होता रहता है, किसी ऐसे जगह पे जो कि काफी सिक्योर है, जहां पे कि आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी काफी बेहतर होती है। अगर वर्चुअल सिक्योरिटी की बात कर ले वो तो होता ही है ताकि आपका डेटा सिक्योर रह सके, साथ में वहां पे फिजिकल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ताकि डेटा सेंटर पे कोई हार्म नहीं पहुंचा सके। मुझे लगता है कि डेटा सेंटर के बारे में इतना ही आज के लिए काफी ज्यादा होगा, और इसके बारे में अगर कोई जानकारी मैं आपको आने वाले समय में दूंगा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसे डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।